Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, assalamu alaikum. My name is Sarasana Sri and I am your English teacher, and I am going to teach you lesson number 9, the sound barriers. Sound barriers means awaaz ki rukawat. हम जानते हैं कि जब इब्तदाई दौर में प्लेन उड़ाए गए, जहाज उड़ाए गए, तो उनके लिए सबसे बड़ा मसला क्या था? वो था आवाज की रुकावट। यानी हमारे जो प्लेन से वो उनके जो इंजन थे, उनकी जो कैपेसिटी थी या उनकी उड़ाने की जो ताकत थी वो बहुत कम थी, जिसकी वजह से उन्हें सबसे बड़ा जो मसला था प्रवास के दौरान वो क्या था? आवाज की रुकावट थी। यानी आवाज उनकी जो रफ्तार थी वो आवाज से बहुत कम थी, आवाज की रुकावट से बहुत कम होने की वजह से वो अक्सर जो है ना क्रैश हो जाते। इब्तदाई दौर में जो हमारे प्लेन से जो जहाज थे वो ज्यादा से ज्यादा 8 किलोमीटर तक प्रवास कर सकते थे, इससे ज्यादा नहीं। फिर क्या किया साइंसदानों ने, उन्होंने नए ऐसे जहाज बनाए, ऐसे इंजन बनाए जिनमें पहले से ज्यादा उन्होंने कैपेसिटी रखी, ताकत रखी, ताकि वो जहाज आवाज की रुकावट को अबूर कर सके। लेकिन फिर भी उनके लिए फिर दोबारा वही मसला कि आवाज की जो रुकावट थी उसकी ताकत ज्यादा थी और हमारे जहाजों की जो इंजन की ताकत थी वो बहुत कम थी। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया कि हमें ऐसे जहाज बनाने चाहिए, उनका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए ताकि वो आवाज की रुकावट में से आसानी से गुजर सके। इसलिए उन्होंने ऐसे जहाज बनाए जिनके विंगलेस जहाज बनाए, जिनके पर नहीं होते, ताकि पर ना होने की वजह से वो आसानी से जो है ना साउंड बैरियर में से गुजर सके। लेकिन फिर वही मसला कि इस वक्त अब उन्होंने जहाज बनाया, वो थे विंगलेस, लेकिन उसके बावजूद भी वो आवाज की रुकावट को अबूर ना कर सके। वो इस वजह से उनके इंजन की ताकत अब भी बहुत कम थी, उसकी पावर्स बहुत कम थी, जिस पावर कम होने की वजह से अब जब फिर उनको उड़ाया गया तो भी वही मसला कि जहाज जाना हिचकोले खाते और हिचकोले खाने के बाद क्रैश हो जाते। आप रोजमर्रा जिंदगी में डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं कि हम अगर मोटर बाइक को 90 से 80 की स्पीड तक ले जाए तो हम देखते हैं कि मोटर बाइक भी जो है ना वो शेक होना शुरू हो जाती है और हम बैलेंस नहीं कर पा रहे होते। उसकी वजह क्या है? कोई आवाज की रुकावट। फिर साइंसदानों ने कोशिश की कि ऐसा जहाज बनाया जाए जिसकी इंजन की ताकत इतनी ज्यादा हो और उसका स्ट्रक्चर इस किस्म का हो कि वो आवाज की रफ्तार से तेज ट्रेवल कर सके। चुनाचा क्या हुआ कि एक बेल X1 एक जहाज का नाम रखा गया, एक प्लेन SM के रॉकेट टाइप था उसका नाम रखा गया और उसको उसकी जो इंजन की जो कैपेसिटी उन्होंने बनाई वो तकरीबन 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बनी। और इस रफ्तार में जब उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया तो वो बहुत कामयाब रहा और बेल X1 जो है ना आसानी से आवाज की रुकावट में से 1000 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से आसानी से उसने आवाज की रुकावट को अबूर कर दिया। और इस तरह साउंड बैरियर में जो है ना हमारे जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जहाज बनाए वो कामयाब हुए। और इसका सबसे पहले इस जहाज को उड़ाने के लिए जिस पायलट को तैयार किया गया वो कैप्टन यीगर थे। कैप्टन यीगर इस मुश्किल काम के लिए उनका हौसला अंदाजा लग रहा है कि उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल दी, टेकिंग ऑन हिज लाइफ इन रिस्क। उन्होंने जो है उस बेल X1 को 1000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जिसमें उड़ना था उसको चला के कामयाब तजर्बा करके उन्होंने साबित किया कि हम आवाज की रुकावट को अबूर कर सकते हैं। और इस तरह उन्होंने ये कामयाब एक्सपेरिमेंट किया। इसके अलावा अब भी हम कोशिश हम है हमारे जो है ना साइंसिस कोशिश कर रहे हैं कि मजीद इससे भी तेज रफ्तार रॉकेट बनाया जाए जो कि आवाज की रुकावट से भी आगे चांद और उससे भी आगे जो बड़े सियारे हैं उन तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराने लगा हूं। इसी लेसन नंबर 9 की एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 53।
टू बल्कि पे बी पार्ट ट्रू फॉल्स है। जरा आप देखिए, मैं ये आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, लिसन इट प्लीज। व्हेनेवर एरोप्लेन क्रैश्ड ऑन द टेस्ट फ्लाइट दिस वाज कास्ड बाय द साउंड बैरियर। कहते पहली मरतबा जब जहाज क्रैश हुआ ऑन अ टेस्ट फ्लाइट आजमाइशी प्रवास पर, तो उसकी वजह क्या थी? साउंड बैरियर थी। द स्पीड ऑफ साउंड इज ऑलवेज 762 मीटर पर आवर अंटू। इसकी स्पीड इतनी नहीं थी बल्कि ज्यादा थी। द स्पीड ऑफ साउंड ग्रोस लेस विद हाइट। आवाज की जो रफ्तार थी वो कम थी, किसी विद हाइट ऊंचाई से कम थी। ट्रू है, आवाज की जो स्पीड थी, रफ्तार थी, वो जो ऊंचाई थी, ऊंचाई से बहुत कम थी। ये ट्रू है। बिफोर कैप्टन रीगर मेड इज फ्लाइट एक्सपर्ट्स न्यू वर्ड द साउंड वेरी वास। कैप्टन रीगर की प्रवास शुरू करने से पहले माहिरीन जानते थे कि साउंड बैरियर वास के आवाज की रुकावट थी। ये गलत, अनट्रू है। इन इंग्लैंड वर्क ऑन ऑल एरोप्लेन्स डिजाइन टू फ्लाई फास्टर देन साउंड वास स्टॉप बिकॉज सो मेनी पायलट्स हैड लॉस्ट देयर लाइफ। इंग्लिस्तान में कहते हैं जहाज बनाने से पहले तेज रफ्तार साउंड आवाज की रफ्तार से तेज बनाने से पहले रुक गए, क्योंकि काफी जो हवाबाज थे वो अपनी जिंदगियां खो चुके थे। बिल्कुल, काफी सारे जो पायलट्स थे जब हमारे एरोप्लेन्स क्रैश हुए तो वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। दिस इज ट्रू। बिफोर कैप्टन रीगर रीगर्स फ्लाइट एक्सपर्ट्स हैड डिसाइडेड दैट स्वीपिंग बैक द विंग ऑफ अ प्लेन वुड सॉल्व द प्रॉब्लम। कैप्टन रीगर की प्रवास से पहले माहिरीन ने फैसला किया कि जो पर है वो पीछे की जानी हो वुड सॉल्व द प्रॉब्लम, और वो क्या करेंगे, वो इस मसले को हल कर लेंगे। बिल्कुल सही है। बेल एक्स वन इसको ट्रू करें। The Bell X-1 was an American rocket aircraft. Bell X-1 अमरीकी तियारा था। बिल्कुल सही है, true. When flying speed of Mach 0.94, Captain Eagle had flown. Mach 0.94 जब उड़ा तो कहते हैं कैप्टन रीगर ने उसको उड़ाया। Had flown, उड़ चुका था कैप्टन रीगर the sound barrier. किसके जरिए? हवा की रुकावट में से। अनट्रू, गलत, बल्कि कैप्टन रीगर ने उसको दूर कर लिया था। द बेल एक्स वन यूज रॉकेट मोटर्स टू एनेबल टू मेक ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड। अनट्रू, ये गलत है। उसने ऐसे मोटर्स बनाए जो है ना, जो जमीन में से गुजर सकती थी, जमीन में भी गुजर सकती थी, जमीन पर चल सकती थी। द फ्लाइट ऑफ बेल एक्स वन लास्टेड 14 मिनट्स। बेल एक्स वन की जो परवाज है वो 14 मिनट तक जारी है। ट्रू। थैंक यू स्टूडेंट्स।